दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अब जैसा कि आप इस एक्ट के नाम को समझ पा रहे हैं, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वैसे ही कुछ सवाल जैसा मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ाने से पहले आपसे किए थे, कुछ वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहूंगा। पहले देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, वो भी एट वर्क प्लेस, ये एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, ये एक स्पेशल लॉ है। क्या इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट को कर्ब करने के लिए या एज एन ऑफेंस पहले से किसी लॉ में प्रोविजंस हैं? कोई बता सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड क्या आईपीसी में कोई प्रोविजंस हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी हो? इंडियन पेनल कोड जो जनरल लॉ है हमारा, क्या आईपीसी में कुछ है कहीं कोई प्रोविजन? ऑल राइट, 354 नहीं, 354 ए। ऑल राइट, 354 ए टॉक्स अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट विच वॉज एडेड, ये अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो हुआ था इन द ईयर 2013, बहुत सिग्निफिकेंट है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट आई गेस। 2013 का अमेंडमेंट, 2013, क्योंकि आपको याद होगा निर्भया गैंगरेप इंसिडेंट जो हुआ था दिल्ली का, उसके बाद बहुत ज्यादा एक आउटरीच था इस चीज को लेके, सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके, और उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था 2013 का, जिसमें अलग से कुछ प्रोविजंस ऐड करे गए आईपीसी में। 354 ए बी सी डी, चार अलग अलग सेक्शंस ऐड हुए हैं। 54 ए टॉक्स अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट, और पहली बार किसी एक्ट में ऑर्गेनाइज तरीके से डिफाइन किया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट को। देखिए, रेप से रिलेटेड प्रोविजन तो हमेशा से थे, बट हर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट रेप नहीं हो सकता। और 2019 के पहले आपको पता हो आईपीसी में भी जो रेप की डेफिनेशन थी वो पेनेट्रेटिव एक्ट को कवर करती थी सिर्फ, लेकिन 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद रेप की डेफिनेशन को भी रिफ्रेम किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्सुअल हैरेसमेंट सेपरेटली ऐड किया गया एज एन ऑफेंस 354 ए में। बी सी डी में अलग अलग चीजें हैं, जैसे डी में स्टॉकिंग है, वॉयरिज्म है, सी में डिसरॉबिंग है, बी में, तो वो सारे प्रोविजंस भी 2013 में ऐड हुए। अच्छा, और ये जो एक्ट जो आपके सामने है आज, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो 2013, इट केम इन टू फोर्स इन डिसंबर 2013। तो क्या 2013 के पहले कुछ था इंडिया में रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट? ये तो हो गई आईपीसी की बात कि भैया 354 ए आ गया है 2013 में, रेप की डेफिनेशन भी थोड़ी मॉडिफाई हो गई है, क्या इसके पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड इंडिया में कुछ था? देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है किसी एक्ट को पढ़ने के पहले। विशाखा गाइडलाइंस, वेरी करेक्ट। सो भाई, देयर वाज अ केस विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, जो कि राजस्थान का केस था, जिसमें एक दलित वुमेन थी जो कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वर्क कर रही थी, एंड शी वॉज कर्बिंग चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज बहुत प्रेवलेंट था राजस्थान में, सो शी वॉज वर्किंग अगेंस्ट दैट, एंड शी वॉज ब्रूटली गैंग रेप्ड। उसके बाद भी एक ऐसा ही आउटरीच था जनता के बीच, और इस पे एक पीआईएल फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दे दी एम्प्लॉयर्स के लिए कि वर्क प्लेस, क्योंकि शी वॉज एसोसिएटेड विद अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, शी वॉज वर्किंग अंडर दैट, एंड देन शी वॉज ब्रूटली गैंग रेप्ड। तो ऑर्गेनाइजेशंस को, लेट इट बी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेट इट बी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू डील विद सच इंसिडेंट्स। और नॉट ओनली रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट का एम्बिट काफी बढ़ाया गया। विशाखा केस वॉज दी ओनली केस जहां पहली बार इंडिया में सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट को प्रॉपरली डिफाइन किया गया कि क्या क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। एंड वो सेम सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट जो विशाखा गाइडलाइन में थी, वही आप देखेंगे आईपीसी के 354 ए में आपको मिलेगी, जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट को पेनल ऑफेंस बनाया गया था, एक ऑफेंस बनाया गया था, पनिशमेंट उसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया था आईपीसी में, ठीक। और उसी के बाद ये 2013 का एक्ट भी आया, इट इज अ स्पेसिफिक लॉ रिगार्डिंग दैट। तो अब जनरल तो डील करेगा आपका आईपीसी, स्पेसिफिक ये डील करेगा। अब जैसा कि यहां है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, कौन कौन इसमें अग्रीव्ड पर्सन हो सकता है या इसका विक्टिम हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, तो फिर आप प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये तो है बैकग्राउंड, शुरू कहां से होता है, विशाखा गाइडलाइन से ही एक्चुअली ये थोड़ा अच्छे से शुरू हुई है चीजें इंडिया में। इसके पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह थे जिनसे अपन बाउंड थे, सब कुछ है, बट ऑन पेपर चीजें होना शुरू यहां से हुई, विशाखा गाइडलाइन के बाद से। उसके बारे में भी देखेंगे कि कहां से सोर्स है और किस तरीके से यह हुआ है। सो माई क्वेश्चन हियर इज कि ये जो वर्कप्लेस की बात है, इसमें क्या क्या आएगा और इसके विक्टिम कौन कौन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक परमानेंट एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक वुमेन एम्प्लॉय है
परमानेंट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में उस वुमेन के साथ वर्क प्लेस के पे उसके ऑफिस में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट होता है तो बियॉन्ड एनी डाउट वो एक्ट इस पर्टिकुलर लॉ से कवर होगा। इसमें किसी को कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं है। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई लॉ स्टूडेंट है जो किसी एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप के लिए जाती है फॉर अ मंथ और सो, शी इज देयर, शी मे बी गेटिंग सम स्टाइपेंड, शी मे नॉट। वैसे तो ऐसा कहना ही आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि फॉर इंटर्नशिप यू आर गेटिंग स्टाइपेंड्स, है ना, बड़ा ही खतरनाक मुद्दा छेड़ दिया मैंने लॉ एस्पिरेंट्स का, यू आर गेटिंग स्टाइपेंड्स फॉर बीइंग एन इंटर्न टू अ लॉ ऑफिस। मान लीजिए लेट इट बी एनीथिंग, रेमुनरेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, शी इज एन इंटर्न इन एन ऑफिस, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, क्या उस एक्ट को भी कवर करेगा ये लॉ? विल बी कवर्ड, ऑल राइट, तो जनता कह रही है कवर होगा। चलिए इंटर्न है तो आपने कवर कर लिया। अगला सवाल मेरा यह है कि मान लीजिए उस लॉ फर्म में एक क्लाइंट आती है, शी इज ऑल्सो वुमेन, एक कस्टमर समझ लीजिए, एक क्लाइंट समझ लीजिए जो कंसल्टेशन के लिए ऑफिस में आती है, एंड शी वॉज सेक्सुअली हैरेस्ड बाय एन एम्प्लॉय देयर, विल दिस एक्ट ऑल्सो बी कवर्ड बाय दिस लॉ? अपने पास जनरल भी है, ये बात ध्यान रखना, आईपीसी इज ऑलवेज देयर, क्या ये वाला एक्ट कवर होगा फॉर अ क्लाइंट और द कस्टमर जो कि उस वर्क प्लेस पे आया है अ वुमेन? विल दिस ऑल्सो बी कवर्ड? ऑल राइट, नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई गेस। ऑल राइट, फ्यू आर सेइंग यस, फ्यू आर सेइंग नो। तो इन्हीं कुछ सवालों के जवाब इस एक्ट में हम ढूंढेंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और, अब ये तो वर्क प्लेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, लेट इट बी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेट इट बी एन ऑफिस ऑफ अ लॉयर और एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। मान लीजिए एक डोमेस्टिक हेल्प के लिए एक वुमेन को रखा गया है किसी डोमेस्टिक सेटअप में, घर में मेड आती है और उस मेड के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई एक्ट होता है, तो क्या वो डोमेस्टिक सेटअप भी कवर होगा? क्या वो इंसिडेंट्स जो एक डोमेस्टिक सेटअप एक घर में हुआ, हाउस होल्ड में हुआ है, जहां पे एक वुमेन काम करने के लिए आती थी उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, क्या ये कवर होगा बाय दिस लॉ? यस, सो ऑल राइट, यू आर सेइंग यस। चलिए कुछ यही सवाल हैं जिनके जवाब हम इस एक्ट में ढूंढेंगे, है ना, कि कौन कौन से इन जितनी हमने बात करी इन किन एक्ट्स पे ये अप्लाई होता है, किन पे नहीं होता है, क्या कवर होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें यहां से देखेंगे। और अगर फिलहाल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे अपन पूरा एक्ट, एक ओवरव्यू हमें हर चीज का चाहिए फॉर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्पेसिफिक प्रोविजंस मैं आपको मार्क कराते जाऊंगा जहां से क्वेश्चन ज्यादा प्री में आने के चांसेस होते हैं। ऑल राइट, सो जीनत से सर डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ाया था, बाकी बिल्कुल जीनत, वी ट्राई और बेस्ट, ऑल वी आर कमिटेड टू दिस कि आरजेएस के जितने स्पेसिफिक लॉज हैं वो सब हम कराएंगे, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट।